बलिया जनपद के रसड़ा थाना क्षेत्र के दक्षिणी टायटी के अंतर्गत धोबी मोहल्ले की है, जहां के रहने वाले है युवक का है जो जमीनी विवाद बताया जा रहा है। राम दुलारी देवी की शिकायत पर पन्ना नाम युवक चौपट में राम दुलारी देवी के भाई का लड़का है यूज पुलिस पूछताछ के लिए लाई थी। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने आरोपित युवक बैरहमी सा मारा पिता है और उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। इस बार ऐसे ही ग्रामीणों में आक्रोश है इसी बात को लेकर बलिया मऊ मार्ग को जाम कर दिया और ग्रामीणों द्वारा जमकर सड़क पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन को देखते हुए कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। प्रदर्शन के दौरान उग्र ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया गया। पथराव में एएसपी संजय कुमार समेत कई पुलिस के जवान भी घायल हो गए। जिस मौके पर कई थानों की पहुंची पुलिस फोर्स सभी घायलों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रसड़ा पर कार्य गया भर्ती। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में घायलों का चल रहा है इलाज। बनिया रसड़ा थाना कोतवाली क्षेत्र में पुलिस पर पब्लिक ने किया पथराव। मामला दरअसल जमीन संबंधी विवाद में पुलिस ने एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए एक व्यक्ति को हवालात में बंद कर दिया और हवालात में बंद युवक की पिटाई कर दी। परिजनों ने आनंद मोइन स्थानन में जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। परिजनों ने पुलिस से नाराज परिजनों ने वाराणसी न ले जाकर रसड़ा कोतवाली मोड़ पर जाम कर दिया, जिससे नाराज कोतवाली गांव के लोगों ने सड़क जाम कर दिया, जिसके बाद सड़क को खाली कराने गए पुलिस पर ग्रामीणों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रसड़ा में भर्ती कराया गया, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने कोतवाली मोड़ पर बने पुलिस चौकी पर पथराव किया। वहीं खड़ी कई बाइक को भी क्षतिग्रस्त किया गया है। 20:02 हालांकि मौके पर जिलाधिकारी श्री हरि प्रताप शाही और पुलिस अधीक्षक देवेंद्र नाथ पहुंचे और हालात का जायजा लिया। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र नाथ ने बताया कि रसड़ा क्षेत्र के धोबी वहीं मोहल्ले के रहने वाले राम दुलारी देवी ने पुलिस को शिकायत की पत्र दिया था कि उनके पति के भाई का बेटा पन्नालाल उनके घर में जबरदस्ती रहता है। इस संदर्भ में पुलिस के लोग उसके घर गए था और वहां से न्यूज लाया था। इस संदर्भ में आरोपित लोगों का कहना है कि पुलिस द्वारा उसके साथ मारपीट की गई है। इस संदर्भ में लोगों ने रसड़ा में आज जाम लगाया था, जिसमें ज्ञापन भी दिया गया था। इस दौरान अराजक तत्वों ने अचानक पथराव शुरू कर दिया, जिससे कुछ पुलिसकर्मी चोटिल हुए हैं। इस संदर्भ में उपद्रव करने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा पुलिसकर्मियों पर दोष लगाया जा रहा है, जैसे चौकी इंचार्ज और दीवान दोनों को सस्पेंड किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति उपद्रव और बवाल में शामिल था उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से आपने देखा आज लाठीचार्ज हुआ, पथराव हुआ, हम जानकारी जानना चाहते हैं कि आखिर क्या मामला था और किन किन पुलिस के खिलाफ सर एक्शन कार्रवाई की। यहाँ रसड़ा में एक दुबई मोहल्ला है, वहाँ राम दुलारी देवी हैं। उन्होंने अपने पति के भाई जो लड़का है उसका पन्ना लाल उसके प्रति यह शिकायत की थी कि उसके यहाँ वो जबरदस्ती रह रहा है, उसको उसके घर से बुला रहा है। इस संदर्भ में चौकी के लोग वहाँ गए हुए थे और उसको लाए। आरोपित का कहना है कि उसको मारा पीटा गया और चौकी पर उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। इस संदर्भ में आज लोगों ने यहाँ रसड़ा में एक जाम लगाया हुआ था, जिसमें ज्ञापन आदि की कार्रवाई हो गई, लेकिन बाद में कुछ अराजक तत्वों ने किसी को नियंत्रण से बाहर करते हुए पथराव कर दिया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों को भी चोटें आईं। इस संदर्भ में उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत होगा और उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी, तथा जिन पुलिसकर्मियों का दोष है जैसे चौकी इंचार्ज उनको निलंबित किया जाएगा। राम बली करके दीवान ने वो भी निलंबित हो। पुलिस ने जो किया जिस तरीके से लोगों को समझाया, वो सही था उसी रास्ते पे वो लोग चलते हुए बवाल किया। आप
पुलिस ने समझाया और वो लोग मान भी गए थे, लेकिन कुछ लोग आकर के उस चीज़ को भड़का दिया और उस चीज़ों में स्थिति को खराब किए, उनके खिलाफ कार्रवाई की। जो भी उसमें शामिल था उसके पार्टी के लोग शामिल थे, जो भी उसमें शामिल था, मैं कह रहा हूँ उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उन चीज़ों को चिन्हित किया जा रहा है, उसमें कार्रवाई होगी।